अभी हम ग्वालदम से आ गए हैं। हम वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल गए थे, तो अब हम यहाँ पे आए हैं कोट ब्राह्मणी मंदिर में। दिखाती हूँ आपको, ये भी बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, तो वो दिखाती हूँ आपको। कोट ब्राह्मणी मंदिर यहाँ पे रुकेंगे हम आधे घंटे, ये लोग फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह सब क्लिक करी हुई हैं पहले, तो मैं बस ब्लॉग ही बनाऊँगी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करूँगी। तो कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन, हम भी करते हैं मंदिर के दर्शन। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, देख दिखाते हैं आपको यहाँ का मंदिर, और आपको माता रानी के भी हम दर्शन कराएंगे। ये जो मंदिर है ये ब्राह्मणी देवी और नंदा देवी का मंदिर है। तो यहाँ आने के लिए आप गरुड़ से पड़ेगा ये 3 किलोमीटर, और कौसानी से पड़ेगा 19, और बागेश्वर से पड़ेगा 23-24 किलोमीटर। और ये जो मंदिर है यहाँ पे क्या होता है, जब नवरात्रि के टाइम पे जो चैत्र और भाद्रपद की जो नवरात्रियाँ होती हैं, यहाँ पर अष्टमी पर यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं, और जो भी मांगते हैं मन्नतें पूरी भी होती हैं, और जब पूरी होती हैं तो फिर दोबारा आना होता है यहाँ पर। ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर बहुत लोगों की बहुत आस्था होती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी, मैं भी करूँगी और आप सभी को भी करवाऊँगी। तो इसी के साथ चलो चलते हैं अंदर, आपको दिखाती हूँ। हम आ गए मंदिर के दर्शन करके बाहर, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों अभी कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट, हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप सभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे बैठ सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ रोड का व्यू मंदिर से नीचे, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, वहाँ से भी आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो पैर जल रहे हैं नीचे से, और बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, लेकिन बहुत बहुत ही बढ़िया वाला व्यू नज़र आ रहा है। आप भी यहाँ के इंजॉय कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये है बैजनाथ और ग्वालदम के बीच में, तो यहाँ से जैसे आप बैजनाथ घूम के आ सकते हैं, कोट ब्राह्मणी मंदिर यहाँ से जा सकते हैं आप, ग्वालदम वहाँ जाके घूम सकते हैं, बहुत अच्छा है, एक दिन में आप पूरा घूम जाएंगे, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ का। अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप भी कहोगे वाह, बहुत अच्छी जगह है, तो इसलिए सभी यहाँ पे आए। अब मैं आ गई हूँ नीचे, मैंने पहन लिए शूज़, अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के दूसरी तरफ का व्यू। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बना है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं सभी, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है तो सामने से भी बहुत अच्छा होगा।
अब मैं दिखाती हूँ और आगे आगे चल के भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे से पहाड़, बादल, हरा भरा पेड़ पौधे, इन सब से तो बहुत ही बढ़िया वाली जबरदस्त फोटो आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फोटो शूट हो सकती है, हमने तो करी है पहले। अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे फोटो शूट जरूर करवाना, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही बढ़िया वाला। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटो हम क्लिक कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और हमारे साथ में जो है दी एक, तो वो फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही है, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो फोटोज़ वगैरह ही क्लिक करने में। मैं तो पहले भी आई हूँ यहाँ, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ की क्लिक करी है, इसलिए मैं अपनी वीडियो ही बना रही हूँ। देखिए गाइस प्लीज़, अगर आप कभी बैजनाथ मंदिर आएंगे तो यहाँ भी ज़रूर आना, जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर आना यहाँ पे, और माता रानी के दर्शन करते हुए जाना, उनका आशीर्वाद लेना। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, अब हम जाते हैं, हमने घूम लिया बहुत, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़े आए, इतना लंबा सफ़र हो गया हमारा। पहले हम ग्वालदम में घूमे थे और फिर यहाँ, इसके बाद हम जाएंगे बागनाथ मंदिर, उनको बागनाथ मंदिर के दर्शन भी करने हैं, तो इसके बाद वहाँ जाएंगे अभी।